press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पिजन प्रिज्म। आज मैं बगनान कबूतर के बेहद शौकीन हैं एसके अब्दुल हाई, और कबूतर के दुनिया में कुछ खास खास कलेक्शन इनके पास है। तो दासू का कुछ खास ब्रीड इनके पास है, बहुत पुराना ब्रीड। तो मैं बगनान आया हूँ आज और देखता हूँ इनके पास कैसा कैसा कबूतर है। तो पहले भाई से बात करते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं तो उनसे बात करते हैं कि कब से कबूतर का शौक़ कर रहे हैं और कैसे इस शौक़ को लेके चल रहे हैं भाई। तो अब्दुल भाई, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत है। तो आप कबूतर का शौक़ कैसे कर रहे हो, कब से कर रहे हो? कब से? बहुत बचपन से ही कर रहा है। कुवैत में जब से किया था शायद 83 से मैं करता हूँ। 83 से भाई कबूतर का शौक़ कर रहे हैं, तो इस शौक़ को लेके आप कुवैत से भी लेके आया था हम कबूतर, कुवैत से भी लेके आया था कबूतर। तो ये एक मतलब पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि भाई कुवैत से कबूतर लेके आए थे। तो वो कबूतर आपके पास है कि नहीं? नहीं, वो कबूतर सब मर गया। और एक उसके रिंग लगा हुआ है कबूतर का पैर में, एक है वो सब 50 का रिंग था, सब कबूतर भाग गया भाई। एक ही कबूतर बचा हुआ है, लगा हुआ है अभी, है वो। तो भाई बहुत पुराना शौकीन कबूतर के है। अभी भाई के पास दासू लाइन का कबूतर मेनली है, दासू ब्रीड है ना। तो और आपके घर में ये शौक को कैसे, मतलब आपके फैमिली को सपोर्ट करते हैं फैमिली वाले ना? सपोर्ट लाइक करते, मेरा बाप, मेरा फादर भी, बाप पिताजी भी, उसका लाइक बहुत है कबूतर का, बहुत शौकीन है। भाई का भी, छोटा भाई का भी है, कबूतर का शौक बहुत है। चलिए, तो दादा का कबूतर अब देखेंगे और किस तरह दादा ये कबूतर को रख रहे हैं, तो बाकी चीज़ देखते हैं। तो भाई का कबूतर चलिए देखना शुरू करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट। तो ये दादा का घर का पहला कबूतर है, ये मादी है, देखिए ये दासू ब्रीड का कबूतर है। इसका आँख का रिंग वगैरह देखिए, पट्टी देखिए, होंठ देखिए, हेडलाइन स्ट्रेट। तो इसका पर वगैरह देखिए कैसा है, ये देखिए इसका पर बहुत शानदार है। चलिए ठीक है, इसका पाँव दिखाइए थोड़ा। तो दादा ने जैसे कहा था ये कुवैती रिंग है, इसको रिंग तो थोड़ा दिखा दीजिए, तो रिंग को घुरा के ये देखिए कुवैत का रिंग है जैसे दिख रहा है, देखिए कुवैत K98। तो ये दादा का घर का बहुत पुराना नस्ल का कबूतर है, तो इसको दादा अपने घर पे बहुत संभाल के रखे। चलिए, ये दादा का घर का ये और एक मादी है, देखिए जूम देखिए कितना हो रहा है, आपका पट्टी। ये सब दासू नस्ल का कबूतर है ना। चलिए इसका पर वगैरह देखिए, ये पर कैच किया हुआ है, यह इसका फेस ऑफ ब्यूटी, यह है फेस ऑफ ब्यूटी, वाह। तो ये देखिए दादा के घर का एक बच्चा है, देखिए ये दोबाज हो रहा है। ये दादा ने बोला ये कबूतर पहला दोबाज दिया है बहुत साल बाद, देखिए फेदर वगैरह देखिए। तो ये दादा के घर में ये बच्चा है, ये मादा बच्चा है ना, ये मादा है। चलिए, तो ये देखिए ये अभी जो बच्चा दिखाए हैं उसी का भाई है, तो इसका माँ बाप भी दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिए। वो पहले माँ दिखाए हैं और बाप भी दिखाएंगे अब। ये देखिए इसका आँख का पट्टी वगैरह, होंठ देखिए, चलिए फेदर। ये देखिए
ये और एक ये मादा है। आँख वगैरह देखिए समझ में आएगा, आँख में पट्टी हुई। पर देखिए सबूज है, ये चौड़ा चौड़ा फेदर है, देखिए कितना वाव। ये सब दासू का क्वालिटी का है, ये सब इसमें बहुत क्वालिटी है। ये देखिए कबूतर कितना छटपटा रहा है। ये देखिए भाई के घर में और एक दासू का मादी, आँख वगैरह देखिए, होंठ काला होंठ वाला, चौड़ा चौड़ा फेदर है देखिए। ये सबूज लाइन का है, दासू में बेसी भाग सबूज भी होता है ना, सबूज जिरिया जिरिया भी होता है, मुंडू सादा जिरिया। चलिए देखिए देखिए फेस ऑफ ब्यूटी, जिसे दासू का पसंद है या जिसे दासू का नॉलेज है वो समझ में आ जाएगा उनको। चलिए ये देखिए और एक दासू का, अभी जितना कबूतर दिखा रहे हैं ना ये सब मादी कबूतर है, तो नर का वीडियो पार्ट टू में आएगा, ये पार्ट वन वीडियो होगा उम्मीद करता हूँ। दादा का घर पे कबूतर कम है बट कुछ खास खास कलेक्शन दासू में है, इसीलिए मैं आया हूँ दादा के घर में इतने दूर। चलिए ये देखिए इसका पर, स्ट्रेट पर है एकदम। इसका ठोंठ आँख का पट्टी पाँव का नाखून देखिए सब मैच कर रहा है, बहुत शानदार है। ये देखिए ये एक बच्चा है, आँख वगैरह देखिए समझ में आएगा, होंठ देखिए। दासू का ब्रीड हम बहुत दिन से तलाश कर रहे थे, तो आज फाइनली दासू का लाइन का कबूतर मुझे कंप्लीट सेटअप मिला है, तो हम आए हैं विज़िट करने। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए एक पुराना लाइन का दासू है, इसका आँख देखिए समझ में आ जाएगा, आँख का पट्टी होंठ आँख में दाना देख रहे हैं वाह। ये पर वगैरह देखिए कितना चौड़ा चौड़ा फेदर है, ये सब दासू में ओरिजिनलिटी है। एक्चुअली दासू ब्रीड्स ये बगनान का ही एक शख्स के यहाँ से ये नाम फैला है, तो इनका घर पे भी विजिट करेंगे हम बहुत जल्द उनके रिलेटिव के घर में। तो अभी चलिए ये देखते हैं, ये सब बहुत कितना दिन हो गया इसका, अभी बहुत साल से है हमारे पास पुराना है। बहुत पुराना लाइन का कबूतर है, उम्र एग्जैक्ट उम्र दादा को नहीं पता है। चलिए ये देखिए और एक इसका आँख में देखिए क्या कलाकारी है, आँख देखिए, आँख का रिंग देखिए, आँख का पट्टी देखिए, होंठ देखिए काला एकदम। इसको दादा लोग गोला पायरा बोलते हैं, मगर यह दासू का ओरिजिनलिटी है। तो दादा के घर में कुछ खास खास कलेक्शन और भी था, तो घर पे एब्सेंस के वजह से कुछ चोरी हो गया, किसी को दादा के घर में बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था कबूतर, चोरी करके ले गया। चोरी तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, मगर जो भाई के घर में अच्छा अच्छा ब्रीड था ना वो उसी को निकाल के ले गया वो। तो हमारे चैनल के द्वारा हम ये कुछ कहना चाह रहे हैं कि किसी का पसंद का चीज़ आपको अगर ज़रूरत हो ना मांग लो, मगर ये सब चोरी वगैरह करना ना ये बहुत गलत बात है, तो काइंडली ये सब अवॉइड करिए। क्योंकि हर किसी के घर में जिसके घर में शौकीन चीज़ है मतलब जानवर है वो बहुत उसका दिल का करीब होता है, तो मैं इस चीज़ से बहुत ही
नाखुश रहता हूँ कि हाँ कोई अगर कबूतर वगैरह या कोई भी जानवर चोरी करे। भाई काम करो, चोरी क्यों करते हो? ये देखिए, और एक दादा के घर में ये सब अभी जितना दिखा रहे हैं ना, मादी है। इसका आँख वगैरह देखिए, आँख में जूम देखिए कितना है। तो दादा को सैल्यूट, इतना शानदार शानदार कलेक्शन अभी भी रखे हुए दादा। और जो मैं बोल रहा था कि चोरी अवॉइड करिए काइंडली, ये सब चीज़ किसी का प्यारा चीज़ को आप लेके जा रहे हो ना, आपको तो पैसा नहीं मिलेगा उस हिसाब से, मगर उनका प्यारा चीज़ कितने तकलीफ़ से वो रखे हैं ना, वो चीज़ चला जाएगा। तो प्लीज़ डोंट डू इट, अगर चाहिए तो आप मांग लो। देखिए सब दासू का सब ब्रीड देखिए क्या कमाल का है। हमारे दोस्तों को बहुत ही पसंद आने वाला। ये देखिए, और एक ये भी मादा है। आँख का पट्टी वगैरह देखिए, आँख का रिंग, आँख में दाना देखिए। इसका उड़ान मोटामोटी कैसा है दादा? गर्मी में तो 8-9 घंटा नॉर्मली उड़ जाएगा। ओके, काला होंठ, तो तलवार जैसा फेदर है देखिए, साख सबूज है ये सब। सोबुज का ही लाइन दादा के घर पे भरा हुआ है, एक ही लाइन का कबूतर है। और ये एक लाइन तैयार करने में लोगों को बरसों बीत जाते हैं। ये एक ब्रीड्स और एक लाइन का, एक पैटर्न का कबूतर करने में ना लोगों को बरसों बीत जाते हैं। दादा ने कितने दिन पे किया है दादा ही बेहतर जानते हैं। वाह, बहुत अच्छा लाइनर। ये देखिए, ये दादा बोला है गोला लाइन का है, बट ये भी दासू का ही है। इसका आँख का पट्टी देख रहे हैं, होंठ देख रहे हैं। वाह, ये देखने में ऐसा है, इस जब आसमान में उड़ेगा ना तो कमाल दिखाता है अपना। अगर आपको उड़ान देखना है तो दादा के घर पे आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। चलिए, ये फेस ऑफ ब्यूटी। वाओ, बहुत शानदार। ये देखिए, ये और एक दादा के घर में। ये सब सिंपल मेंटेनेंस में इतना शानदार उड़ान और इतना शानदार कलेक्शन है। इसको हाई फाई मेंटेनेंस अगर करे, अगर हमारे कोलकाता में जो बड़े बड़े उस्ताद हैं उनका हाथ अगर इन्हीं के हाथ पे आ जाए ना सर पे, तो कमाल हो जाएगा। बहुत जानदार, बहुत बहुत उम्दा है। ये देखिए, दादा के घर में कबूतर इस तरह ही से रहता है, ऐसे ही रहता है। ये मादी का लॉफ्ट है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, पसंद ना आए तो कमेंट करिए, कुछ बताना है तो कमेंट करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके प्यार से हमारा चैनल यहाँ तक पहुँचा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं अच्छा कलेक्शन आपको दिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में। चलिए।